1857 से लेकर के नवंबर 1858 तक आपका ये रायबरेली और आसपास का पूरा क्षेत्र अगर अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर के स्वाधीनता का अनुभव किया था तो उसका श्रेय अगर जाता है तो वह है राणा देवी माधव भक्त सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। आज बात करेंगे प्रतिभा के प्रश्न कार्यक्रम में कि क्या अमेठी जाने के बाद कांग्रेस के हाथ से अब रायबरेली भी जाने वाला है। रायबरेली का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। एक तरफ जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यहीं थी। सवाल उठा कि क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपनी सक्रियता यहाँ बढ़ा रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा रही है या बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है यहाँ अपनी गतिविधियाँ तेज कर रही हैं, तो क्या बीजेपी का प्लान ये है कि अब कांग्रेस के हाथ से रायबरेली भी छीन ली जाए। सीएम योगी आज यहाँ पे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुँचे। इसमें सबसे अहम कार्यक्रम था अमर शहीद राणा बेनी माधव की 215वीं जयंती पर होने वाला कार्यक्रम, योगी वहां शामिल हुए। वहीं प्रियंका गांधी पहुंची कांग्रेस नेता अदिति सिंह के घर पर, जहां उन्होंने पूर्व पार्टी विधायक और अदिति के पिता अखिलेश सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। इसके बाद पहुंच गई प्रियंका गांधी, कर्मचारियों से मुलाकात की। कांग्रेस रायबरेली कोच फैक्ट्री के निजीकरण को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रही है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हाल में ही खत्म हुए संसद सत्र में रेलवे कोच फैक्ट्री के निजीकरण को लेकर सवाल उठाया था। कंपनी कारण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है। दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक इकाई का कंपनी कारण करना चाहती है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि पिछले 15 सालों में सोनिया कई बड़े प्रोजेक्ट्स रायबरेली लेकर आई, जिसमें रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फूड पार्क, स्पाइस पार्क और मोटर ड्राइविंग कॉलेज जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर बीजेपी की सरकारें जो हैं यहां विकास कार्यों को ठप कर रही हैं। रायबरेली कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। इस इलाके में बीजेपी लगातार अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर सोनिया गांधी भले ही स्वास्थ्य कारणों से नियमित तौर पर यहां नहीं आ रही, लेकिन उनकी बेटी प्रियंका लगातार रायबरेली के दौरे पर जाती रहती हैं। वे ही अपने मां के निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान रख रही हैं। यही वजह है कि वह अखिलेश सिंह के निधन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दुख बांटने वहां पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की वीवीआईपी लोकसभा सीटें लंबे समय से कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रहीं, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के गढ़ को ढहा दिया, यानी उन्होंने अमेठी से अपनी सीट दर्ज करा दी और राहुल गांधी को यहां से शिकस्त दे दी। इस बार हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से कांग्रेस 80 में से महज एक सीट जीतने में ही कामयाब हो सकी, और वो सीट है सोनिया गांधी की रायबरेली सीट। यूपी की राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि बेशक सोनिया अपने हेल्थ के कारणों से अब यहाँ कम सक्रिय रहती हैं, लेकिन एनटीपीसी, सीमेंट फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, आईटीआई जैसी तमाम ऐसी इकाइयां और उद्योग हैं जिसे लगाकर कांग्रेस ने रायबरेली के लोगों को रोजगार दिया है और उनका दिल जीता है, इसलिए सोनिया गांधी का सिक्का वहाँ बरकरार है। रायबरेली में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसे देखकर उस इलाके में गांधी परिवार के प्रभुत्व की झलक मिल जाती है। सोनिया गांधी रायबरेली से करीब 15 सालों से सांसद हैं। स्वास्थ्य कारणों से इधर उनका रायबरेली दौरा जरूर काफ़ी कम हो गया है, फिर भी 2014 की मोदी लहर में भी उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की थी और इस साल भी वे चुनाव जीती। 2014 में सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने अजय अग्रवाल को मैदान में उतारा था,
लेकिन उन्हें करीब 2.25 लाख वोट ही मिले, जबकि सोनिया गांधी से उनकी हार का अंतर 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों का रहा। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि 2014 के चुनाव में रायबरेली सीट पर बीजेपी न सिर्फ पहली बार दूसरे नंबर की पार्टी बनी, बल्कि अब तक महज कुछ हज़ार वोटों पर जो पार्टी सिमट जाती थी उसे 1,73,000 वोट मिल गए, यानी जनता का थोड़ा भरोसा बीजेपी पर बढ़ा। बीजेपी ने इस बार अजय अग्रवाल के बजाय कुछ समय पहले तक कांग्रेस के ही वफादार रहे MLC दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ उतारा था। सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,099 वोटों से हराया। 2019 की जीत सोनिया की सबसे कम मार्जिन की जीत मानी जाती है। इससे पहले 2009 में सोनिया ने अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के RS कुशवाहा को 3,72,000 अधिक वोटों से हराया था, लेकिन इस बार के चुनाव में सोनिया की जीत का अंतर 1.5 लाख वोटों तक ही सिमट कर रह गया। रायबरेली सीट शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रही है। रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता है। सोनिया 2004 से यहाँ सांसद हैं। इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अमेठी में सेंधमारी के बाद बीजेपी की नज़र अब रायबरेली पर है। आपको बताते हैं कि रायबरेली सीट को अपने कब्जे में करने के लिए 2024 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बीजेपी ने क्या तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी अभी से मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अभी उनके पास पूरे 5 साल है और तैयारियों के लिए भी पूरा वक्त है, इसलिए तैयारी ऐसी हो रही है कि उसका नतीजा आपको अगले चुनाव में दिख जाएगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। इसके लिए पार्टी अभी से बूथ स्तर पर काम कर रही है। अमेठी की तरह रायबरेली में भी गांव-गांव विकास और हर बूथ पर कार्यकर्ता तैनात करने का अभियान चलाया गया। इसी तरह का अभियान कुछ अमेठी में भी चलाया गया था। बीजेपी ने यहाँ 73 तरह के कार्यक्रम किए थे जिससे हर गांव में नेटवर्क तैयार हो जाए। 1883 बूथों पर पूरा संगठन तैयार हो गया है। 16 मंडलों में नेटवर्क को और मजबूत करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो यहाँ पे बहुत सक्रियता दिखाने लगी है, बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है वहाँ, और लोगों को खुद से जोड़ने की वो कोशिश कर रही है। लिहाजा बीजेपी यहाँ वो हर काम करना चाहती है जिससे जनता की भावनाएं जुड़ती जाएं और सोनिया के कब्जे से ये सीट बीजेपी के पास आ जाए। रायबरेली की माटी के वीर माने जाने वाले राणा बेनी माधव की 215वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में योगी का शिरकत करना इसी रणनीति का एक हिस्सा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल अमर शहीद रायबरेली के वीर राणा बेनी माधव को लेकर रायबरेली की लोगों की भावनाएं गहरे तक जुड़ी हुई हैं। 1857 की वो तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि बनी और हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की धरती भी उत्तर प्रदेश बनी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस लड़ाई को प्रारंभ करने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ वो प्रदेश के अलग अलग भागों में अनेक स्थानों पर ऐसे नायक खड़े हुए जिन्होंने विदेशी दासता की जंजीरों को तोड़ते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उसी क्रम में जून 1857 से लेकर के नवंबर 1858 तक आपका ये रायबरेली और आसपास का पूरा क्षेत्र अगर अंग्रेजों की दासता से मुक्त होकर के स्वाधीनता का अनुभव किया था तो उसका श्रेय अगर जाता है तो वह है राणा बेनी माधव। दिनेश प्रताप एक समय में रायबरेली का कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे। पिछले साल जब दिनेश प्रताप सिंह और उनके परिवार वाले बीजेपी में शामिल हो रहे थे उसी मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रायबरेली को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। शाह ने कहा था कि रायबरेली को न सिर्फ भारत का आदर्श जिला बनाया जाएगा बल्कि यह भी कहा कि रायबरेली का विकास दिन दूनी रात चौगुनी करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रायबरेली में आधुनिक रेल कोच कारखाने और 558 करोड़ रुपए की लागत से बने रायबरेली बांदा हाईवे का भी लोकार्पण कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि इन बातों से हम किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच सकते और पहुंचना मुश्किल भी है क्योंकि अभी चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन फिर भी बीजेपी जिस तरह से यहाँ सक्रिय हो गई है उससे तो कुछ सवाल उठ ही रहे हैं। क्या अमेठी के बाद बीजेपी का मिशन रायबरेली है?
क्या बीजेपी रायबरेली में भी कांग्रेस का किला कमजोर करने में लगी है? क्या आने वाले दिनों में बीजेपी की सक्रियता यहां और बढ़ेगी? क्या सोनिया गांधी के गढ़ को भेदना बीजेपी के लिए आसान होगा? क्या समय रहते कांग्रेस बीजेपी के इस मंशा को समझकर अपनी सीट को बचाने की कोशिश करेगी? देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।